इंसान एक दूसरे से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जो गलती एक मर्द करता है दूसरा भी कर सकता है। जब एक औरत बाजार में दुकान लगाकर अपना जिस्म बेच सकती है तो दुनिया की सब औरतें ऐसा कर सकती हैं। गलतकार इंसान ही वो हालात है जिनकी खेतों में इंसान अपनी गलतियां पैदा करता है और उनकी फसलें खाता है। बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी, शॉर्ट स्टोरीज तो काफ़ी सारी पढ़ी थी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी। और जब मैं उर्दू लिखना पढ़ना सीख रही थी तो पहली कहानी मैंने वो पढ़ी थी, मंटो की कहानी, क्योंकि छोटी सी कहानी है तो उस समय स्लोली पढ़ा करती थी, तो मैंने सोचा इससे शुरू करती हूँ। तो इत्तेफाकन मंटो की कहानी थी वो पहली कहानी। लेकिन प्रेपरेशन के दौरान और भी बहुत कुछ पढ़ने को मिला जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, जैसे उनके मजमून, जिससे हमने एक हिस्सा भी पढ़ा है। और उन्होंने बायोग्राफिकल स्केचेस लिखी थी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के फेमस पीपल के बारे में। अशोक कुमार के बारे में एक स्केच है, श्याम चड्ढा के बारे में एक स्केच है, और नरगिस के बारे में एक स्केच है जिसमें वो सफ़िया का जिक्र करते हैं, अपनी वाइफ का जिक्र करते हैं। बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है जहाँ वो कहते हैं कि सफ़िया और उनकी बहनें नरगिस को प्रैंक कॉल किया करती थी रात को, और फिर जद्दन भाई उनके घर आई क्योंकि नरगिस को भी क्यूरियोसिटी होगी कि कौन है ये लड़कियाँ, और फिर ऐसा करते करते वो दोस्त बन गए। तो वैसे ही ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ी थी, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज तो बहुत पढ़ी। लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल इसीलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को जो वो कह रहे थे उससे लोगों को दिक्कत हो गई, लेकिन जो वो कह रहे थे उसमें कुछ अजीब नहीं था। वो वही कह रहे थे जो सोसाइटी में चल रहा था, और वो ये कहते थे कि मैं उसके बारे में क्यों नहीं लिखूँ जो सोसाइटी में हो रहा है। तो उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि आप सेक्स वर्कर्स के बारे में क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप रेड लाइट एरियाज में जा सकते हैं लेकिन सेक्स वर्कर्स के बारे में कहानियाँ कोई लिखता है तो आप कहते हैं कि वो फहश। तो ये लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा जो कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। उन्होंने वो लिखा जो सोसाइटी में हो रहा था। आई थिंक दे आर वेरी सेंसिटिवली रिटन, और ख़ासकर जब औरतों के बारे में लिखते हैं, चाहे वो सौगंधी हो हतक की, या सुल्ताना हो काली शलवार की, या सरिता हो 10 रुपये की, ये वेरी मतलब वो औरत की इज लुकिंग एट द वुमन एज अ पर्सन, यू नो, एंड नॉट एज आइदर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिटेलिएशन और ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपथी। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं कि जब आप उनको पढ़ते हैं तो लगता है कि ये किरदार चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सोचती कैसे है। ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जब आप पढ़ो तो आपको लगता है कि हाँ आई नो दिस पर्सन। तो सफ़िया का रोल मेरे लिए वो था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा कि आई नो शी, तो एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया, तो दैट मेड इट ईजियर। एंड ऑल्सो ऑलरेडी स्क्रिप्ट जैसा कि मैंने कहा बहुत रिच थी, एंड ऑल्सो डायरेक्टर का विजन ऐसा था कि शी वॉन्टेड टू सी मंडोज लाइफ थ्रू हिज पर्सनल लाइफ, तो ऑलरेडी उनके दिमाग में भी सफ़िया का किरदार इम्पॉर्टेंट था, वो उनको अटेंशन देना चाहती थी, तो उससे मेरा काम भी बहुत आसान हो गया। नंदिता ने काफ़ी रिसर्च कर रखा था ऑलरेडी, नंदिता ने काफ़ी वक्त बिताया था मंटो सफ़िया की बेटियों के साथ, और ख़ासकर सफ़िया की बहन ज़किया के साथ जो लाहौर में रहती है, और उनसे उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो किताबों में नहीं मिलती लेकिन फैमिली के पास होती है, एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन कि अम्मी वो ऐसा किया करते थे और उनकी रिलेशनशिप ऐसी थी, या मेरी बहन ऐसा किया करती थी, तो वो बहुत प्राइसलेस इंफॉर्मेशन है। वो अगर रिसर्च से इकट्ठा नहीं होता तो शायद कभी हमें पता ही नहीं लगता कि मंटो वी नो मंटो द राइटर बट वी डोंट नो मंटो द पर्सन। तो इस उनकी फैमिली के थ्रू होपफुली इस फिल्म के थ्रू आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जैसे हमें ये नहीं पता था कि दैट इज़ अ वेरी डोटिंग हस्बैंड एंड अ वेरी लविंग फादर, मुझे मंटो के बारे में ये इंप्रेशन नहीं थी उनकी कहानियाँ पढ़ के, पता नहीं क्यों हमारी भी एक इमेज हो जाती है राइटर की और आर्टिस्ट की, तो ये इमेज नहीं थी। लेकिन उनकी फैमिली के लोग कहते हैं कि वो सफ़िया के कपड़े भी आयरन किया करते थे, और इनफैक्ट सफ़िया उनको साहब बुलाती थी, मतलब सादत साहब का शॉर्ट साहब, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम मुझे और कुछ मत बुलाओ, सादत ही बुलाओ, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, और नाम लेने से कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सफ़िया ने बोला कि नहीं अजीब लगता है, इसलिए उसने एक मिडिल पाथ ढूंढ लिया कि, और ये इन्फॉर्मेशन जैसे किसी किताब में नहीं है, लेकिन फैमिली ने शेयर किया।
मैं बहुत इज्जत लेकर गई थी उनके लिए और उनके काम के लिए, और उन्होंने वही इज्जत मुझे वापस दी। और वो गिव एंड टेक जो होता है दो एक्टर्स के बीच में इन द टाइम बिटवीन एक्शन एंड कट, वो रहा। और एक तरह से मैच भी हो गया हमारा वर्किंग स्टाइल इत्तेफाक, ऐसे ना उन्होंने मुझे कुछ बोला ना मैंने उनसे कुछ कहा, लेकिन आई फाउंड दैट हिज वर्किंग स्टाइल वॉज वेरी सिमिलर टू माइन, इन द सेंस कि आई ऑल्सो डोंट लाइक टू टॉक टू मच अबाउट द रोल्स दैट आई प्ले। आई फील लाइक अगर आपने बात कर ली तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो गया सीन का, क्या अगर ये डिस्कशन हो गई कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे फिर ऐसा जाएगा, तो फिर वो मज़ा चले, वो डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर का काम है आप किसी भी तरीके से आपको अपना विजन समझाना कि वो क्या चाह रहे हैं सीन से। लेकिन दो एक्टर्स अगर ज़्यादा बात करें तो जो खूबसूरत सी कन्फ्यूजन होती है, जो वो समझने की कोशिश होती है सीन में, वो नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आपने पहले ही डिस्कशन कर लिया और सब समझ लिया तो वो बहुत यूनिडिमेंशनल हो जाता है। तो नवाज़ ने भी मेरे से उतनी डिस्कशन की जितना मुझे मुझे करनी थी, तो एक तरह से वो प्रोसेस मैच हो गया, तो जिससे बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग हो गया उनके साथ काम करना। इनमें डायलॉग है जो मुझे लगता है कि सफ़िया और मंटू की रिलेशनशिप का एक सेकेंड, मतलब जब वो लाहौर जाते हैं और लाहौर में कुछ साल बिताते हैं तो उस वक्त का उनकी रिलेशनशिप का एक डेफिनेशन की तरह हो जाता है वो लाइन, क्योंकि वो कहती है कि सारी हमदर्दी, सफिया कहती है सारी हमदर्दी अपने किरदारों के लिए बचा रखी है, तो मंटू कहते हैं आखिर में सिर्फ अफसाने रह जाते हैं और उनके किरदार। तो वो डिफरेंस, वो डाइवर्जन हो गया था उनमें उस वक्त, सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी, आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार।